तस्वीरें आप देख सकते हैं, कलवेड़ी गांव में सूचना मिलते ही वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच जाती है। सर्च ऑपरेशन जरूर किया जा गया लेकिन तेंदुओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया, इस समय आप देख सकते हैं वन विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी जिसके बाद आप आए हैं मौके पर? जानकारी तो ऊपर से एक लेटर आया था, उसके भी हफ्ते हम आए हैं तो हमने जाके चेक किया, यहाँ कुछ ऐसा हमें अभी तक मिला नहीं है कि हम कुछ बता पाए कि यहाँ तेंदुआ है या नहीं है। वन विभाग की टीमें लोगों को सिर्फ जागरूक कर रही है, हालांकि सुबह दोबारा से सर्च ऑपरेशन दोबारा चलाया जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं वन विभाग की टीमें इस समय कलवेड़ी गांव से रवाना होती हुई नजर आ रही है। बिल्ला भी हो सकता है और तेंदुआ भी हो सकता है। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। रात को सर्च ऑपरेशन उस तरह से नहीं चल पाता है, सुबह दोबारा से जो है इसी तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं किस तरह से जो वन विभाग की टीमें यहाँ पर पहुंची थी वो अब यहाँ से समय रवाना होती हुई नजर आ रही है। पिंजरा लेकर भी पहुंची थी लेकिन पिंजरा अभी नहीं लगाया गया क्योंकि एज पर प्रोटोकॉल अगर कोई तस्वीर किसी कैमरे में कैद होती है तो उसके बाद ही जो है पिंजरा लगाया जाता है। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कलवेड़ी गांव में सूचना मिलते ही वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच जाती है, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच जाती है। सर्च ऑपरेशन जरूर किया जा गया लेकिन तेंदुओं के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया, इस समय आप देख सकते हैं वन विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी जिसके बाद आप आए हैं मौके पर? जानकारी तो ऊपर से एक लेटर आया था, उसके भी हफ्ते हम आए हैं तो हमने जाके चेक किया, यहाँ कुछ ऐसा हमें अभी तक मिला नहीं है कि हम कुछ बता पाए कि यहाँ तेंदुआ है या नहीं है। फिलहाल ना सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ है और ना ही कहीं कुछ अभी है। गांव के दो तीन लोगों ने देखा, उन्होंने कहा कि तेंदुआ दिखा उनको। देखो, गांव वालों ने क्या देखा वो जानते हैं। अब किसी को फोटो दिखा रहे हैं तो भी वो क्लियर नहीं बता पा रहे। अभी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि उन्होंने जो फोटो दिखाई है, हमने जंगल कैट की फोटो दिखाई, सब उस पर कह रहे हैं हाँ ये है तो क्लियर कुछ नहीं है। तो बाकी पिंजरा वगैरह अगर लेकर आए हैं अब, जरूरत पड़ी तो वो लगाया जाएगा, वो आगे की आगे बता पाएंगे। कल सुबह दोबारा से सर्च दोबारा चेक किया जाएगा। तो लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे फिर भी? बस सावधान रहें, रात को अगर कहीं खेतों में जाना है तो दो आदमी जाएं, टॉर्च लें और अपने साथ एक डंडा रखें और बात करते जाएं। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो जानवर जो होता है ये तेंदुआ छुपता है, एकदम से आपकी आवाज़ से छुप जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर रात को कहीं खेतों में जाना है तो दो आदमी टॉर्च उनके पास हो, टॉर्च इधर उधर ऐसे चलाते रहें ताकि वो टॉर्च से लोग वो जो तेंदुआ है अगर उसके ऊपर जाएगा तो छिपने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है वो देखते ही आपको मारने भागेगा एक किले दूर से, नहीं। तो गांव जो है नहर किनारे पड़ता है तो कई बार देखा गया कि नहर तेंदुआ आ भी जाता है भटककर जंगलों से। देखो, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने अभी नहीं देखा है, तो मैं अभी यहाँ इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता। आपका शुभ नाम जी? सुनील दवा। सर, लोग पूरी दहशत के अंदर है इस वक्त, उनके पास क्या मैसेज जाना चाहिए कि वो कैसे बच पाए? एहतियात बरतना सबसे जरूरी, सावधानी सबसे जरूरी है। सावधानी रखें कि भाई खेतों में जाएं, दो जाएं तो वो थोड़ा, और घर के बाहर एक दो दिन ना सोएं। तो बिल्कुल अगर सोएं भी तो थोड़ा सा या तो रोशनी अच्छी रखें या फिर आग जला लें क्योंकि ये जो चीज़ें हैं रोशनी आग हैं, इनसे थोड़ा जंगली जानवर दूर भागते हैं। टीम के द्वारा सुबह जरूर कोई अभी तक कुछ दिखा नहीं है ऐसा कुछ, तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते। आस पड़ोस के जो लोग हैं ना ये बता रहे हैं कई कुत्ते, बछड़ी और दो कुत्ते गायब हैं इनके। देखिए, अभी शाम को आए हैं, अभी क्लियर नहीं कह सकते उसके बारे में। मौका देखे आपने जहाँ पर निशान मिले हैं? अंधेरा हो चुका था, अंधेरे होने के बाद इतना कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। फिलहाल तक दोबारा से जो है सर दोबारा चेक करेंगे, फिलहाल तक अभी तक कुछ नहीं मिला है हमें, तेंदुआ होने के कोई सबूत नहीं मिले। तेंदुआ होने के सबूत नहीं मिले हैं सीसीटीवी में, लेकिन फिर भी जिस तरह से गांव के लोगों ने बताया कि तेंदुआ देखा गया है, आप देख सकते हैं किस तरह से फॉरेस्ट विभाग वन विभाग की जो टीमें हैं वो पिंजरा लेकर जरूर आ गई थी लेकिन जरूरत नहीं पड़ी पिंजरा लगाने की। अगर जरूरत पड़ेगी तो पिंजरा भी लगाया जाएगा। पुलिस की टीमें भी आप देख सकते हैं मौके पर पहुंची हुई है और वन विभाग की जो टीमें हैं आप देख सकते हैं पूरी तरह से लैस होकर वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है, सर्च ऑपरेशन जो है चलाती हुई नजर आ रही है। SHO साहब भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे सर? वन विभाग की टीमें आई हैं, टीमें आई हुई हैं और सर्च अभी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे, उसमें कुछ ऐसा मिला भी नहीं है और ना कुछ सबूत ऐसा लगा है। तो सुबह फिर देखते हैं एक बार, फिर अलर्ट जारी रहेगा। सबके लिए हिदायत यही है कि आप अपना ध्यान रखें, बच्चों का ख्याल रखें। वही जैसे इंस्पेक्टर साहब बोल रहे थे, जब खेतों में जाएँ तो दो जाएँ, बातें करते रहें। तो कुछ सबूत मिलेगा पिंजरा वगैरह तभी लगाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, तो अपना प्रोटोकॉल है तो प्रोटोकॉल के साथ। गांव के लोगों ने देखा है, दो तीन लोगों ने तेंदुआ बता रहे हैं, बोल तो रहे हैं लेकिन ये तो तब जब तक क्लियर नहीं होगा। जंगली बिल्ला भी हो सकता है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जंगली बिल्ला भी हो सकता है? जी हाँ, जंगली बिल्ला भी हो सकता है। इस समय आप देख सकते हैं वन विभाग की टीमें यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद है। लाइव तस्वीरें करनाल के
कलवेड़ी गांव से इस समय आप देख सकते हैं, कलवेड़ी गांव से इस समय आप देख सकते हैं रात भर जो है इसी तरह से पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन है वो भी जारी रहा, और आप देख सकते हैं लगातार लोगों को जागरूक करने का काम भी जो है पुलिस यहां पर करती हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के कुंजपुरा थाना में पड़ने वाले कलवेड़ी गांव से समय आप देख सकते हैं, जहां पर थाना एसएचओ मौके पर पहुंचे हुए हैं, वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। हालांकि तेंदुआ दिखा नहीं है, सीसीटीवी फुटेज जरूर देखा गया लेकिन तेंदुआ सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, लगातार इस तरह से सर्च ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा, कल सुबह भी वन विभाग की टीमें और पुलिस जो है इसी तरह से गाँव में सर्च ऑपरेशन जरूर चलाएगी। तेंदुआ ही खाएगा कुत्ता, तेंदुआ है वहाँ कुत्ते मिल नहीं, हम सुबह फिर आते हैं, सुबह चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कहते हैं ना जहाँ तेंदुआ आएगा वहाँ कुत्ता नहीं होता, कुत्ते को मार देता है। ये 5-7 कुत्ते गायब हो गए हैं यहाँ से, कितने दिन से? इस एक हफ्ते नहीं, एक बार देखो तेंदुए का एटीट्यूड क्या, आज खा लिया 2-3 दिन के बाद खाएगा, 3 दिन के बाद खाएगा, तो ऐसे नहीं 5-7 दिन में 5 कुत्ते ऐसे गायब नहीं हो सकते। 3 कुत्ते गए जी, नहीं हो सकता भाई 3 दिन के अंदर। सर जी शनिवार को मेरा घुमाया, उनके बाद जी अपने यहाँ कुटिया घुमाया, यहाँ से 2 घुमाए जी। बोलो जी, एक यहाँ पे था सफेद वाला, सुबह चेक करके बताएंगे। आप देख सकते हैं 3 कुत्ते भी गायब हैं, 1 बछड़ी भी गायब है, इस तरह की जानकारी गांव के लोग देते हुए नजर आ रहे हैं, और वन विभाग की टीमें लोगों को सिर्फ जागरूक कर रही है। हालांकि सुबह दोबारा से सर्च ऑपरेशन दोबारा चलाया जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं वन विभाग की टीमें इस समय कलवेड़ी गाँव से रवाना होती हुई नजर आ रही है। बिल्ला भी हो सकता है और तेंदुआ भी हो सकता है। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, रात को सर्च ऑपरेशन उस तरह से नहीं चल पाता है, सुबह दोबारा से जो है इसी तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं किस तरह से जो वन विभाग की टीमें यहां पर पहुंची थी वो अब यहां से समय रवाना होती हुई नजर आ रही है। पिंजरा लेकर भी पहुंची थी लेकिन पिंजरा अभी नहीं लगाया गया, क्योंकि एज पर प्रोटोकॉल अगर कोई तस्वीर किसी कैमरे में कैद होती है तो उसके बाद ही जो है पिंजरा लगाया जाता है। ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, गाँव के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? अभी तो कह रहे हैं वन विभाग के लोग की अभी तेंदुआ मिलने के सबूत नहीं मिले उनको। ये तो देखो 3-4 दिन से हम भी देख रहे हैं, अब इन्होंने तो बोल दिया हम रात को दोबारा पहरा देंगे, फिर सुबह आपको मैसेज देंगे जी, ये कह सकते हैं। अब ये बैठे देखा आपने? हाँ, दोबारा बैठा जी। तो हो सकता है तेंदुआ ना हो, जंगली बिल्ला हो? नहीं, फिर पंजे देखो इतने बड़े बड़े जी। काफी देर तक नजर आया आपको? हाँ, आप थे ना सिस्टम 11 के बाद, फिर 3 बजे तक उसके बाद घुमाया वो। कितने कुत्ते गायब हैं अभी आपके? कुत्ते 2 यहाँ से, 1 मेरे डेरे से जी, और बछड़ा भी, क्योंकि बछड़ा उधर साहब पड़ोसी है उनका जी। तो भाई नाका रहेगा आपका इसी तरह? हाँ, रात को आज पहरा देंगे, फिर छत पे बैठ गए जी। पहरा रात भर गांव के लोग देंगे, रात भर गांव के लोग पहरा देंगे। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के कलवेड़ी गांव से देख सकते हैं, किस तरह से डर के साए में जरूर हैं लेकिन लोगों से सिर्फ ये अपील है, इस तरह की खबर को दिखाए जाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि लोग सावधानी बरतें, लोग सावधानी बरतें, और बच्चों को और विशेष तौर पर अपने दुधारू पशुओं को जो है थोड़ा सावधानी से बांधें, बच्चों को अंदर रखें और पशुओं को सावधानी से बांधें, अंदर बांधें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर तेंदुआ होता है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पशुओं को और छोटे बच्चों को जरूर पहुंचा सकता है। इसलिए हमारी अपील है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा। वन विभाग के सीनियर अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुँची हुई थी, सर्च ऑपरेशन चलाया गया लेकिन कहीं ना कहीं तेंदुआ होने के सबूत उस स्तर पर नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि रात हो चुकी है। सुबह दोबारा से सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, हालांकि पिंजरा लाया गया था लेकिन पिंजरा अभी लगाया नहीं गया है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।